आज हम बनाएंगे एकदम चटपटी आलू की कचौड़ी। कम मेहनत में और कम सामान में बनाएंगे और बाजार में मिलने वाली कचौड़ी से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और सबसे खास बात यह है कि आपको इसको बनाने के लिए बाजार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक कप गेहूं का आटा लेंगे। इसमें हम एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, एक छोटा चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे और दो छोटे चम्मच इसमें हम देसी घी डालेंगे, जिससे खस्ता कचौड़ी बनेगी। और अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे और मिला लेंगे। पहले हम दो छोटे चम्मच ही देसी घी डालेंगे, उसके बाद अगर हमें कम लगेगा तब हम थोड़ा सा और डाल देंगे। देसी घी की जगह आप तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से कचौड़ियाँ ज़्यादा खस्ता बनेंगी। और अभी मुझे इसमें घी कम लग रहा है, तो मैं एक छोटी चम्मच इसमें और डाल रही हूँ। और अब हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद अब हम थोड़ा सा ये मुट्ठी में लेके देखेंगे। अगर ये बंद रहा है तो हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मुट्ठी में बंद रहा है, तो इसमें बिल्कुल मोयन हमने सही डाला है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। डो हमें सॉफ्ट सा ही बनाना है, जिससे कचौड़ियाँ एकदम खस्ता बनेंगी और फूली फूली बनेंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें हम पानी डालेंगे और अच्छे से हम मसलते हुए इसका आटा गूंथ लेंगे। और ये हमारा आटा अच्छे से गूंथ गया है और अब हम इसको ढक कर 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, 3-4 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे और आलूओं को हम ऐसे मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। आलूओं को उबाल के पहले ठंडा कर लें, उसके बाद ही इनको मैश करेंगे। इनमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और अब हम इसमें दो हरी मिर्च को काट के डाल देंगे। साथ में इसमें हम आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दें, नमक डाल दें और आधा छोटा चम्मच इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे। इन सबको डाल के हम मिला लेंगे। अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन डाल देंगे, एक चम्मच के करीब, कि जिससे कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता बनेंगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग भी बिल्कुल रेडी है और अब हम कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। आटे को हम एक बार और हल्के हाथ से मसल के गूंथ लेंगे। तो अब हमारी सारी तैयारियाँ हो गई हैं और अब हम कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम एक छोटी सी लोई लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए लोई लेते हैं उतने साइज़ की हम लोई लेंगे। और ऐसे हम उंगलियों से दबाते हुए इसकी एक कटोरी सी बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें करना है। बीच में हमें थोड़ा मोटा रखना है और साइड्स में हमें इसको पतला रखना है। तो इस तरह से हम फैलाते हुए इसकी एक कटोरी सी बना लेंगे। और अब हम इसमें जो हमने ये आलू की स्टफिंग रेडी करी है, एक चम्मच के करीब इसमें हम डाल देंगे और डालकर हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। स्टफिंग को आपको सेंटर में रखना है और उसके बाद हम चारों ओर से उठाते हुए इसको हम एक साथ लाएंगे और बंद कर देंगे। तो देखिए, ऐसे सेंटर में लाके हम इसको बंद कर देंगे। और अब हम इसको ऐसे ही हथेली से प्रेस करते हुए फैला लेंगे। तो इस तरह आप हथेली में ऐसे रख के इसको ऐसे फैला के चपटा कर दें। और इस कचौड़ी की खासियत ये है कि आपको इसको बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह हम ऐसे इसको चपटा करके कचौड़ी का शेप दे देंगे। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमें सारी कचौड़ियों को बना लेना है। तो तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और अब हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसमें हम एक एक करके कचौड़ियों को फ्राई करेंगे। एक डालेंगे, थोड़ा रुक के दूसरी डालेंगे, फिर तीसरी डाल दें और इसी तरह हम डाल देंगे। एक बारी में आप 3 या 4 से ज़्यादा नहीं डालें। और बिल्कुल भी इसको अभी आपको पलटना नहीं है। 1-2 मिनट के बाद जब आप देखेंगे कि ये तेल में बबल्स आने कम हो गए हैं, तब हम इसको एकदम हल्के हाथ से पलट देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आने कम हो गए हैं। तो अब हम इनको ऐसे पलट देंगे और पलट कर हम दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हमें इनको इसी तरह अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है।
तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये कचौड़ियाँ फटी नहीं हैं। बनाना बिल्कुल आसान है और घर के ही अवेलेबल सामान से आप ये कचौड़ी बना सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और अब हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी की कचौड़ियाँ भी बना लेंगे और अब हम इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप ये देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाने में कितनी टेस्टी बनी होगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि इन कचौड़ियों के लिए हमें अलग से कोई भी सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमने मसाला डाला है उससे ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। थोड़ी सी हरी मिर्ची भी फ्राई करके डाल देंगे, बहुत ही चटपटी लगती हैं और बहुत टेस्टी लगती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि एकदम बाहर से क्रिस्पी बनी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। तो आप ये कचौड़ी बना के ज़रूर देखें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगी।